हेलो दोस्तों, टेक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सौमी के नए स्मार्टफोन रेडमी के 30 अल्ट्रा के बारे में, जो कि 14 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। स्पेसिफिकेशंस पूरी आ गई है और ये 5G स्मार्टफोन है। ये आ रहा है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले इसका 6.67 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। पॉपअप सेल्फी कैमरा इसमें लगा हुआ है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये आएगा। प्रोसेसर की बात करते हैं। प्रोसेसर इसमें जो लगा होगा वो डायमेंसिटी 1000 प्लस प्रोसेसर इसमें लगा होगा, मीडिया टेक का। साथ ही ये 3 वेरिएंट में आएगा, उनमें 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज, और तीसरा जो वेरिएंट रहेगा वो होगा 12GB रैम और 512GB का इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों, इसका जो कैमरा होगा रियर साइड में वो एक क्वाड कैमरा होगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा। रियर कैमरा जो है इस स्मार्टफोन का वो K30 प्रो जूम के जैसा ही होगा। साथ ही जो फ्रंट कैमरा होगा वो एक पॉपअप कैमरा होगा, जो कि 20 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आएगा। दोस्तों, इसमें जो बैटरी लगी होगी 4500 mAh की लगी होगी और 33 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू ये चार्ज होगी। तो दोस्तों, ये जो है स्पेसिफिकेशन, ये पूरी स्पेसिफिकेशन है K30 अल्ट्रा की। इन्हीं स्पेसिफिकेशंस के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा 14 तारीख को। और प्राइस कितनी होगी इस स्मार्टफोन की, इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इंडिया में ये कब आएगा, इसकी भी इन्फॉर्मेशन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी इस नए स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में और इंडिया में ये कब लॉन्च होगा उसके बारे में, तो हम आपको इस चैनल के थ्रू देंगे। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।